क्या कितना कैसे करते हैं, जैसे तो ये सर हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर और एक नर्स यहाँ रहती
डॉक्टर ये सुन रही है तो एक स्टाफ ऐसा कहेंगे नहीं कर रही है तो ये यहाँ पर दूसरे हमारे एक मिनट बात आया सर कोविड का हमारा
तैयारी है सरकार की? हमारी पूरी तैयारी है। सबसे पहले तो प्रयास यही है कि किसी भी तरह संक्रमण ना हो, और उसके लिए जो जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो जो हम प्रयास कर रहे हैं, हो ही रहे। हमारा वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से चल रहा है और उसके बाद भी तेजी से केसेज आ रहे हैं, तो हमने पूरी तैयारी की है गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर। कितने बेड हैं मध्य प्रदेश में? गवर्नमेंट सेक्टर में अभी तक हमने डेडिकेटेड लगभग 32,000 बेड सुनिश्चित किए हैं, प्राइवेट सेक्टर में लगभग 25,000 है। और ये हम जो प्राइवेट सेक्टर के जिस तरह हम और बढ़ाएंगे, टोटल मिलाकर हमारी प्लानिंग है कि हम 60,000 से 70,000 बेड तक कोविड डेडिकेटेड मध्य प्रदेश में स्थापित कर देंगे। ज्यादा मरीज जैसे मध्य प्रदेश में आ गए, कितने अस्पताल में है, कितने आईसीयू में है, सरकार को जानकारी है? पूरी जानकारी है जी, 24 घंटे में लगभग 10-25 केस आए हैं और हमारे टोटल मिलाकर एक्टिव 2475 केस है। सुखद बात यह है पर इसमें से बहुत कम है जिनको हॉस्पिटल की जरूरत है। हॉस्पिटल भी हमने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए हॉस्पिटल उनका किया है, अभी से काफी कम संख्या में आईसीयू, बाकी आईसीयू में एक या दो पेशेंट है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लगभग सब एसिम्प्टोमेटिक है, पर यदि किसी को कोमॉर्बिडिटी है तो पेशेंट की केवल सेफ्टी के लिए उसको हॉस्पिटल में किया गया है। हमारा आग्रह भी यही है कि यदि आपको कोविड पॉजिटिव आते हैं और यदि कोई तबीयत में ज़्यादा खराब नहीं है वो, यदि और आपके घर में उचित नहीं है आईसीयू बेड नहीं तो सरकार के कितने परसेंट बेड लेना होता है? देखिए अभी के हिसाब से लगभग 6-7% 8% मरीजों की हॉस्पिटल की स्थिति बनती है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब नहीं है, केवल और केवल प्रिकॉशन उन्हें मेजर लेते हुए। तीसरी लहर दस्तक देते हुए और मंत्री जो है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य पीछे 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 और पीछे देने के बाद उसके लिए सब कह रहे हैं
अभी भी करीब 23 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सीटी स्कैन लगभग सब जगह लग गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसकी मैपिंग हो गई। ये तो चिकित्सा से संबंधित विश्वास है, लोगों से अपील है कि जो सैंपल देते हैं तो अपना जो माने के लोग पेशेंट हैं और वो अपने को आपको आइसोलेशन में रखें। वीडियो इस्तेमाल के साथ केंद्र शर्मा स्टेशन भोपाल। इसलिए हम केवल इसमें उलझ जाएंगे तो हम मुख्य मुद्दे से भटक जाएंगे। मुख्य मुद्दा यह है कि करोना है, करोना का कोई सा भी वेरिएंट होगा उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो एक जैसा है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना है कि हमें करोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, अपने को अपने परिवार को कॉलोनी अगर कॉलोनी और बढ़ाई जा सकती है। देखिए अभी तो कल 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 शादी को लेकर गाइडलाइन आई है, बड़े मेलों को लेकर गाइडलाइन आई है, अंतिम संस्कार को लेकर गाइडलाइन आई है, अलग अलग समय को लेने के लिए अभी और किसी पाबंदी पर हमने विचार नहीं किया। हमने सुना अभी पाबंदियों पर विचार नहीं किया है, लेकिन इसके इनकार नहीं किया।